بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہاں امریکہ کے اندر چار دن سے ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے. انسان کرتا گناہ ہے, भुगतते सभी हैं. इंसान कमज़ोर है, बेसब्रा है और नातावान है. अल्लाह ताला जल्दबाज भी है कहा. हम मुसलमान कभी जो है निकल के ये नहीं बताए. कुरान के अंदर अल्लाह ताला कह रहा है कि इंसान को अगर से तुम मारते हो तो सारी इंसानियत को तुमने जो है कत्ल किया जैसा. एक बात दूसरी, अल्लाह ताला कह रहे हैं प्रीवियस यानी पिछली अहले किताब वालों से बैठ कर बात करो, हमने कभी बात नहीं की. और अल्लाह ताला कह रहे कुरान के अंदर कि जी तुम यहूद नसारा की भी जो है रिस्पेक्ट करो. खुलिया युअल काफिरून में अल्लाह ताला बता रहे हैं तुम तुम्हारी इबादत करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि मैं मेरे नबी मैं मेरे अल्लाह की इबादत करूँगा, मैं मेरे खुदा की इबादत करूँगा. तो खुलिया युअल काफिरून के हिसाब से भी हमने कभी इंसानों को ये नहीं बताया कि तुम तुम्हारी इबादत करो. और अल्लाह ताला एक इंसान को अगर हम मारते हैं तो जो है सारी उम्मत के ऊपर ये बदनामी आ रही है. अब ये बच्चे दो जो थे बॉस्टन में जो बम ब्लास्ट हुआ 19 साल का और 26 साल का, वो लड़के ना तो वो लोग इस्लाम जान सके, ना तो वो चेचनिया के मुस्लिम्स हैं, ना तो वो रशिया के कोई जासूस है. हमको पता ही नहीं कि वो मुस्लिम है या नहीं. अब क्योंकि ये वाक़या हो गया, अब चार दिन से मुसलमानों के ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ ये लिख रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ ये लिख रहे हैं. लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं देखा कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला कह रहा है एक इंसान को अगर तुम मासूम को मारते हो तो जो है तुम सारी इंसानियत को कत्ल किए जैसा. सारे आलम में ये बात मुनादी के तौर पर हम कर सकते हैं. अल्लाह ताला ने हमको दावत की बात 73 जगह बताई कुरान के अंदर और 93 जगह हमको सब्र बताया. लेकिन हम मुसलमान सिर्फ जुमा के मुसलमान रह गए. मैं अमेरिका में समझता हूँ मुसलमान जो है जुमा की नमाज़ पढ़ता है, ऐसे आता है जैसे कि बस उसको सांप सूख गया हो. मस्जिद में आएगा, सुन्नत भी पढ़ेगा या दुआ तक भी नहीं रहेगा या जो है नफिल या फिर मुसलमान के क्या हालात है, मुसलमानों को क्या करना चाहिए. मुसलमान जैसे मदीना में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मस्जिद नबी में बैठा करते थे, आज कोई बैठा भी नहीं. और अरबियाँ तो खाली वो ठेलों पे बैठ के खाना बेच लेते बैठे हुए हैं. और वो बंगाली यहाँ पर अमेरिका के अंदर वो फ्रूट के ऊपर बैठे हुए हैं या कैंडी स्टोरों में या पिज़्ज़ा लगा लेके बैठे हुए हैं या जो है किसी होटलों में काम कर ले रहे हैं या पाकिस्तानी है टैक्सी चला ले रहे हैं, गैस स्टेशन चला ले रहे हैं, अपनी जगह मस्त है. अरे मुसलमान तू डर के जी रहा ना है अमेरिका में? क्या तेरे पास ये बात करने की हिम्मत नहीं है? क्या तेरे पास इतनी भी ताकत नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है कि कुरान के रूह से, कुरान के ज़रिए से, कुरान के हवाले से, कुरान की जो है हुकुम किए हुए अल्लाह की इताअत करने की बातें नहीं रख सकता तू गैरों में? हम मुसलमान चार दिन से परेशान हैं. आज मुझे अच्छा याद है 9/11 के बाद में तो अरबियों से भी मैंने नाम पूछा तो डर गए, वो नाम बताना नहीं चाहिए, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ. ऐसा डरपुक तो हमारा मुसलमान है. अरे जान तो चले जाएगी कैसा भी, लेकिन जान जाने में हीरो जैसा सलाउद्दीन अयूब अयूबी जैसे जाओ दुनिया से. अरे ताकत वाले हीरो जैसे बनो, अल्लाह के जो है वाक़े हीरो बन के उठो दुनिया से. अरे तुमको देख के फ़ख्र करें फरिश्ते आसमानों में. क्या मुसलमान कमज़ोर ऐसे फीके ऐसे पड़े हुए हैं, शराब भी ऐसा धुत पड़ा हुआ नहीं रहता डर के. कोई जो है ऐसा पागल भी जो है सड़कों पे धुत नहीं पड़ा हुआ रहता. इतना दबे हुए बुजदिलों की तरह मुसलमान अमेरिका के अंदर आज है चार दिन से. अरे बताओ अल्लाह का हुक्म ही नहीं है कुरान के हिसाब से? बताओ कि अल्लाह का हुक्म ही नहीं देता है कि यहूद नसारा को मारे? अगर वो यहूद नसारा को मारे तो अहले किताब से बात क्यों करता कुरान के अंदर? अहले किताब कह रहा है कुरान, पढ़ते ही नहीं मुसलमान, पढ़ना नहीं.
अब तो अरबी भी यहाँ आके जो है वो गाने वाने, और उनकी औरतें भी गाने वानों में ज़िंदगी ऐसी गुजारने के लिए आ गई, वो भी औरतें भी वैसी हो गए, मर्द भी वैसी हो गए, बच्चे भी वैसे हो गए, बच्चे तो उनके पूरे हाथ से निकल गए, वो लोगों को ना तो अपना मज़हब मालूम है और ना तो जो है वाकई हमारी तहजीब तमद्दुन या हमारी तारीख को जो है वो लोग रखना है। नहीं, पाकिस्तान हो या इंडिया हो बांग्लादेश, मैं तो हमारे अपने मुसलमानों से बड़ा अफसरदा हूँ, इस वास्ते कि अफसोस होता मुझे कि 9/11 के बाद में हमें मौका था इनको बताते, लेकिन अल्लाह की कसम मैं रोज़ चल फिर के इंसानों को बताता हूँ, और मैं सुबह में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के उठता हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ लेता हूँ, यासीन सुन लेता हूँ, कुरान मैं जो है HD पर डाल के, और फिर बाहर निकलता हूँ, अल्लाह से मदद मांग के बाहर निकलता हूँ, और वापस आके फिर शुक्राना, अल्लाह खैर खूबी से तू मुझे घर पहुँचा दिया। आज मुसलमान अमेरिका के अंदर जो है लानती वो शराबियों की तरह पेशाब पी रहे जैसा जो है, डरपुकों के जैसा जो है बैठे हुए हैं। अरे तुम मर्द कब बनोगे? कौन से मर्द हो तुम? हाँ, खाली अपनी औरत के लिए मर्द हो क्या? अपने मजहब के लिए मर्द नहीं हो? बहादुर नहीं बन सकते हो? सलाउद्दीन अयूबी नहीं बन सकते हो? अपना मजहब का जो जो सही पैगाम है वो नहीं दे सकते हम? अल्लाह ताला कह रहा है खुले अल्फाज में, वो एक बॉस्टन की रिपोर्ट लाया हो FBI वाला, उस वो कह रहा है कि जी वहाँ मैं मस्जिद में गया था, वहाँ लिखा हुआ यहूदियों को मारो, लिखा ही नहीं, अल्लाह ने कहा ही नहीं यहूदियों को मारो, पढ़ना नहीं आता, तर्जुमा नहीं आता। अब अहमदियों का तर्जुमा पढ़ते होंगे या शिया का तर्जुमा पढ़ते होंगे, इस वास्ते तुम सुन्नी नहीं कहलाते होंगे, मैं तो ऐसा समझता हूँ। और वो अहमदी लिखता है जाकिर नायक वहाँ भी है, इस तरह से तो शोशे बना लेके ज़िंदगी गुजारने के लिए बुज़दिल बने हुए अपने आप को तोड़ लेकर मुसलमान। अरे मुसलमान वो जो अल्लाह के दीन के लिए डट के ठहर जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में बताए, तुम शहीद होगे फलां हाथ में झंडा लेगा, तुम शहीद होगे फलां हाथ में झंडा लेगा, अल्लाह की कसम उसी तरह शहीद हुए सबके सब, और सब ने झंडा लिया, कोई भी जो है जंग से भागा नहीं था। अरे जान दे दी हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हक के लिए, घर में दूध नहीं है, बच्चे बिल बिला रहे, कौन से मजहब के है तुम? कैसे हो सच्चे मुसलमान? कब बनेंगे बताओ? कि हम मासूमों को मार ही नहीं सकते, हुक्म ही नहीं अल्लाह का, हम मच्छर को नहीं मार सकते बगैर उसकी इजाज़त के। अल्लाह के दीन को समझो मेरे भाई, अल्लाह के दीन को पहुँचाने की सोचो। अल्लाह ताला जो है हमको तौफीक दे कि हम जो है सच्चे दीन को यूरोप के अंदर चैन लिए लिए जैसा बताएंगे, मासूम को मारने का हुक्म नहीं है करके, तो दूसरे लोग भी दूसरों को नहीं मारेंगे, दूसरे मजहब भी वाले भी नहीं मारेंगे, तो नेकी दी का अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमान।